अस्सलाम वालेकुम। अभी ये मंथ कौन सा अप्रैल मई मंथ है और आप देख सकते हैं कि बैंगलोर में लीची आ गया है। ये देखिए रेड कलर का लीची है। बिहार झारखंड मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ही अच्छा रहता है, पर वहाँ पे अभी तक लीची नहीं आया है, पर यहाँ पे लीची आ गया। चलिए मैं इसको खा के आपको बताती हूँ कि ये लीची का टेस्ट कैसा है, ताकि आप भी फटाफट जाइए मार्केट लीजिए और लीची खाइए। और ये केजी है 300 रुपीज़, आप बार्गेनिंग करके 250 तक ले सकते हैं। चलिए अब इसको मैं खा के बताती हूँ। इसके हरे भरे पत्ते आप देख सकते हैं कितने हरे भरे हैं, और ये देखिए कितना भरा हुआ लीची है। ये देखिए किस तरह से लीची मैंने ऑलरेडी छिल दिया है, इस तरह से छिलता आता है। आपको छिल के अंदर खाने और अंदर काला पींच निकलता है, और आप देख सकते हैं किस तरह से लीची है। ये देखिए इस तरह से इसका लीची का बीन जाता है, और इस तरह से इसका ऊपर का पील आता है। यहाँ देखिए चलिए मैं अब इसको छील कर आपको बताती हूँ। जब भी आप लीची लेंगे तो यहाँ पर देखना कि कीड़े हैं या नहीं। इस पोर्शन में जहाँ ठंड रहती है वहाँ पे कीड़े रहते हैं, अगर कीड़े हैं तो मत खाइए या देख के खाना, और हमेशा देख कर ही खाना। यहाँ आप देख सकते हैं क्लीन है, कुछ भी कीड़ा नहीं है, तो ये आप खा सकते हैं। इसके अंदर पींच यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से पींच आती है। तो आप भी लीची खाना और बताइए कि आपको लीची कैसे लगा। और इस वर्ष बैंगलोर में ये 300 रुपीज़ के जी है, 300-350, आप बार्गेनिंग करके 250-200 तक भी पूछ सकते हैं। 250 तक मिल जाएगा, 200 तक भी आप बार्गेनिंग करके ले सकते हैं। अगर आप भी लीची खाने के शौकीन हैं तो आप भी लीची खरीदिए, खाइए और मुझे बताइए कि आपको ये लीची कैसा लगा। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टाटा, बाय बाय। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सबको शेयर कीजिए।